गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम हिंदी कक्षा 3 पार्ट 4 छोटे ऊ बड़े ऊ और ऋषि जी की मात्रा पढ़ेंगे। ऊ की मात्रा का छामे छोटे ऊ की मात्रा छू आ कछुआ। ये जो लाल बना हुआ है ये काय की मात्रा है छोटे ऊ की। चामे छोटू की मात्रा छू ना चुन। वामे छोटे ऊ की मात्रा बू ना बुन। धुन पुल कुल कुड़िया साबुन कुटिया रुकना बुलबुल गुमसुम चुनमुन सुबह हुई सुनील उठ दातून कर पुल पर मत जा गुलाब जामुन खा सुराही का पानी पी। है ना, ये जो जितने शब्द हैं ये काय के हैं, छोटे ऊ की मात्रा वाले शब्द। इन शब्दों को आपको पढ़ना है और अपनी कॉपी में लिखना है। अब आ जाइए बड़े ऊ की मात्रा। है ना, ये कबूतर बना हुआ है, ये क्या है बड़े ऊ की मात्रा जो लाल लाल बनी हुई है। फा में बड़े ऊ की मात्रा फू और ला फूल। धा में बड़े ऊ की मात्रा धू और ला धूल। झा में बड़े ऊ की मात्रा झू और ला झूल। धूप जून मूरत खजूर नाखून सूरज रूठना कबूतर तरबूज फूलदान मजदूर सूरज निकला फूल खिला राजू आया तरबूज लाया पूजा तरबूज खा धूप में मत घूम। ये जो सारी काय की मात्रा वाले शब्द हैं बड़े ऊ की मात्रा वाले, ये बड़े ऊ की मात्रा आपको लिखना है और पढ़ना है। अब देखिए रामे कैसे लगी है, रामे लगी हुई है छोटे ऊ की मात्रा और एक रामे बड़े ऊ की मात्रा। रुपया गुरु रुकना रुक, ये क्या है छोटे ऊ की मात्रा वाले शब्द। रू अमरूद रूठना, ये बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्द हैं। इनमें रामे बड़े ऊ की मात्रा लगी है और ऊपर वाले शब्दों में छोटे ऊ की। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, पेज नंबर 26 ऋषि जी की मात्रा। देखिए ये ऋषि जी की मात्रा बनी हुई है। ग्रह वृक्ष घृत वृक्ष तृण कृषि नृप मृत कृपा मात्र अमृत पृथक सृजन कृपया कृषक कृपाण पृथक कृपा। ये सारे शब्द काय के हैं, ऋषि जी की मात्रा वाले शब्द। इन्हें आपको पढ़ना भी है और लिखना है। अमृत के ग्रह के पास बहुत सारे वृक्ष हैं। अमृत मृदंग बजाता है अमृत इधर आ मात पृथ की सेवा कर ग्रह से घृत ला ऋषि की कुटिया पर जा उनकी कृपा पा आश्रम में मरण तृण चर रहा है। अब आ जाइए नेक्स्ट पेज पर अनुभव विस्तार पढ़िए। रुचि जामुन लाई मनु मुरली की धुन सुन रूपा झूला झूल पूजा काजू खा। पढ़िए समझिए और लिखिए, ये शब्द लिखे हुए हैं इनको आपको पढ़ना है। गुलाब भालू सूरज सुबह और इस साइड आपको लिखना है। मृग नृप वृक्ष घृत ग्रह अमृत, इनको भी आपको पढ़ना है और लिखना है। इसमें ऋषि जी की मात्रा लगी हुई है। अब इनमें उच्चारण करना है। झूला झूल सुना सूना सुत सूत, ठीक है। अब है छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा सही जगह लगाना है। सूरज सुबह गुड़िया फूल झूला गुलाब, देखो मैंने लगाई हुई है आप लोग भी लगाइएगा। अब है मात्रा लगाकर लिखिए। देखिए इसमें का में बड़े आ की मात्रा लगी है छोटी की, का में बड़ी की, का में छोटे ऊ की, का में बड़े ऊ की। ये सारी मात्राओं को आपको ये जो वर्ण दिए हुए हैं इनमें लगाना। देखो तीन में तो मैंने लगाई हुई है, आप भी इसमें लगाइएगा। अब है नीचे दिए गए शब्दों में से छोटे ऊ बड़े ऊ की मात्रा के शब्द को अलग कर कर लिखिए। इसमें आपको एक तरफ छोटे ऊ की मात्रा वाले शब्द छांट कर लिखना है, दूसरी तरफ बड़े ऊ की। ये दो 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 शब्द मैंने लिखे हुए हैं, बाकी के आपको ढूंढना है और लिखना है कि किस शब्द में छोटे ऊ की मात्रा लगी है उसको इस साइड लिखना है, जिस शब्द में बड़े ऊ की मात्रा लगी उसको इस साइड।
ये सब लिखकर आपको और मुझे भेजना है। अब नेक्स्ट पेज पे आइए, दिए गए वर्णों से खाली स्थान भरिए, है ना। ये वर्ण दिए हुए हैं, इन खाली स्थान को भरना। मृग, दूसरे वाले में कृषि, तीसरे वाले में वृक्ष, चौथे वाले में आकृति, पांचवे वाले में ग्रह, छठवें वाले में अमृत। अब है उदाहरण के अनुसार शब्द बनाइए। ये जो शब्द दिए हुए हैं इसमें ऋषि जी की मात्रा लगाना। देखिए मैंने लगाई हुई है कृषक, ऐसे ही तीन में आपको लगाना है और इनको लिखना है और पढ़ना है। ये सब पढ़ के मुझे भेजिएगा।